गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट SST चैप्टर 5 काइंड्स ऑफ हाउस यानी घरों के प्रकार। देखिए वी ऑल नीड, ध्यान दें, वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। वी ऑल नीड माने हम सभी को रहने के लिए कराए, नीड ए हाउस टू लिव इन माने हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। बट नॉट एवरी वन लिव्स इन द सेम टाइप ऑफ हाउस। बट यानी लेकिन, नॉट एवरी वन लिव माने सभी एक ही प्रकार के घर में नहीं रहते, कराए सेम टाइप ऑफ हाउस, कराए हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। जैसा सभी लोग जानते हैं, आपको भी पता है कि आपको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी एक ही प्रकार के घर में नहीं रहते। किसी का कच्चा है, किसी का पक्का है, किसी का ईंट सीमेंट से बना हुआ है, किसी का छप्पर से बना हुआ है। तो कराए कि वी आर नीड ए हाउस टू लिव इन, हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। बट नॉट एवरी वन लिव इन द सेम टाइप ऑफ हाउस, लेकिन सभी एक ही प्रकार के घर में नहीं रहते। डिफरेंट पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। डिफरेंट पीपल माने अलग अलग लोग लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस। वी सी माने हम, सी माने देखते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस माने चारों ओर, हम अपने आसपास या अपने चारों ओर कई तरह के घर देखते हैं। सम आर बिग, सम माने कुछ, बिग माने बड़ा, आपको पता ही है। सम आर बिग कुछ बड़े हैं, एंड सम आर स्मॉल और कुछ छोटे। कच्चा हाउस, हाउसेज विच आर मेड ऑफ मड बम्बूज एंड स्ट्रा आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। कराए हाउस विच आर मेड ऑफ मड, मड माने मिट्टी, बम्बूज यानी बांस, स्ट्रा यानी पुआल यानी घास को जिसको कहें। तो हाउसेज विच आर मेड ऑफ मड बम्बूज एंड स्ट्रा आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस यानी घर जो मिट्टी, बांस और पुआल आदि से बने होते हैं, कच्चे घर कहलाते हैं। कच्चा हाउसेस आर स्मॉल हाउस, कच्चा हाउसेस आर स्मॉल हाउस यानी कच्चे घर जो होते हैं वह छोटे घर होते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग माने मजबूत। तो दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, दे माने वे, आर माने मालूम है, इज एम आर इज एक वचन है और आर बहुवचन। तो दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, वे बहुत मजबूत नहीं। ए हट इज ए कच्चा हाउस, ए हट, हट माने मालूम है ना झोपड़ी, अपने आस पास देखते हैं तो आपको झोपड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। करा ए हट इज ए कच्चा हाउसेस, हाउस झोपड़ी एक कच्चा घर है। हट्स आर मोस्टली फाउंड इन विलेज, विलेज माने गाँव होता है। करा है हट्स आर मोस्टली फाउंड इन विलेज, तो कराए झोपड़ियाँ ज़्यादातर गांव में, विलेज बने गांव होता है, यस लगा हुआ बहुत चल गया यानी गांव में पाई जाती है। पक्के हाउसेस, तो पक्का हाउस आप देख रहे होंगे चित्र में, कच्चा हाउस बना हुआ है सामने और उसके बगल में आप देख रहे हैं पक्का हाउस। कराए हाउसेज विच आर मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड आयरन आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। हाउसेस विच आर मेड माने जो ब्रिक्स ईंटों सीमेंट एंड आयरन माने जो ईंटों सीमेंट और लोहे से बने होते हैं आर कार्ड पक्का हाउसेस, पक्के मकान कहलाते हैं। दीज हाउसेस आर बिग एंड स्ट्रांग, दीज माने ये सब, तो दीज हाउसेस माने ये घर आर बिग एंड स्ट्रांग। बिग माने क्या होता है, बड़ा, और स्ट्रांग माने मजबूत, माने ये घर बड़े और मजबूत होते हैं। सच हाउसेस आर फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स,
Such houses अने ऐसे घर are haunted. Found, sorry. Such houses are found in cities and towns अने ऐसे घर शहरों और कस्बों में पाए जाते हैं. इसके बाद है हाउस बोट. देखें बगल में पानी पर तैर रहा होता है, यह हाउस बोट है. पहला हाउस बोट. ए फ्लोटिंग हाउस इज कॉल्ड ए हाउस बोट, मानी तैरते हुए घर को हाउस बोट कहते हैं. फ्लोटिंग हाउस इज मोव ऑन लेक वाटर. लेक यानी झील. तैरते हर झील के पानी पर चलते हैं. सच हाउसेस आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला. माने सच हाउसेस, माने सच यानी ऐसे हाउसेस माने घर, माने ऐसे घर कश्मीर और केरला यानी केरल में पाए जाते हैं. देखिए इन सिटीज मैनी हाउसेस आर बिल्ट इन वन बिल्डिंग, दे आर कॉम्प्लेक्स. मैंने शहरों में एक ही बिल्डिंग यानी एक ही मकान में कई घर बनाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है फ्लैट. शहरों में देखेंगे फ्लैट्स होते हैं. इसके बाद है कारवा. कारवा इज ए हाउस ऑन व्हील. इट कारवा इज ए हाउस ऑन व्हील, माने कारवा पहियों पर घर है. इट माने यार. इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यह एक स्थान से कराए. इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है. दज इस प्रकार कारवा इज ए मूवेबल हाउस, यानी कारवा माने इस प्रकार कारवा ये चल घर रहता है या चल घर कर सकते हैं. टेंट, देखिए बगल में आपका बना हुआ है टेंट. टेंट, टेंट्स आर टेम्प्रोरी हाउसेस. टेंट और स्थाई घर हैं. दे आर मेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड यानी थोड़े समय के लिए. दे आर मेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड, माने ये थोड़े समय के लिए बनाए जाते हैं. प्लास्टिक आर कैनवास क्लॉथ इज यूज फॉर मेकिंग टेंट. प्लास्टिक या कैनवास के कपड़े का प्रयोग टेंट बनाने के लिए किया जाता है. कैंपस यूज टेंट फॉर कैंपिंग, माने कैंपस टेंट का प्रयोग कैंपिंग के लिए भी होता है. वी आल्सो यूज ए टेंट व्हेन वी गो फॉर ए पिकनिक. वी आल्सो यूज, माने हम पिकनिक के लिए जाने वाले टेंटों का भी उपयोग करते हैं. जब हम पिकनिक पर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो अक्सर देखते हैं लोग अपना घर करने के लिए क्या करते हैं, टेंट यानी तंबू बना देते हैं. रूफ फॉर द हाउस, रूफ यानी छत ऑफ द हाउस, माने घर की छतें. रूफ इज द पार्ट ऑफ ए हाउस, छत एक घर का हिस्सा है. विच इज ऑन द टॉप, जो शीर्ष पर. इट मे बी फ्लैट और स्लोपिंग, या फ्लैट या स्लोपिंग यानी ढलान, यानी यह समतल भी हो सकता है और ढलान भी हो सकता है. हाउसेज इन हॉट प्लेस है फ्लैट रूफ, गर्म स्थानों में घरों की जो छतें होती हैं क्या होती हैं, सपाट छतें होती हैं. हाउसेज फाउंड इन एरिया दैट गेट लॉट ऑफ रेन और स्नोफॉल है स्लोपिंग रूफ. हाउसेज फाउंड इन एरिया दैट गेट लॉट ऑफ रेन, माने उन क्षेत्रों में जिसमें बहुत अधिक वर्षा होती है, यानी उन क्षेत्रों में जिसमें बहुत अधिक वर्षा होती है या हिमपात होता है, ढलान वाली छतें होती है. स्लोपिंग रूफ्स अलाउ रेन वाटर एंड स्नो साइड डाउन इजीली, यानी कह रहा है कि ढलान वाली छतें बारिश के पानी यानी रेन वाटर एंड स्नो बर्फ को आसानी से डाउन इजीली यानी नीचे जाने देता है. इसके बाद आपको हम इसका एक्सरसाइज, तो आप पहले लेसन को एक दो बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ में आएगा. इसलिए लेसन को आप एक दो बार पहले आराम से एक एक स्टेप लेकर के, जैसे सबसे पहले आपको दिया गया है काइंड ऑफ हाउस यानी घरों के प्रकार, फिर कच्चा हाउसेस यानी कच्चा घर, फिर पक्का हाउसेस पक्का घर, फिर हाउस बोट,
हाउस बोट के बाद में आपको बताया गया पड़ा, इसके बाद टेंट, खेत, घर की छतें, तो इनको एक एक करके आप पहले ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे स्टेंजा में आपका वाक्य लिखा हुआ है, तो आप उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी।